हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम सीखेंगे ऑपरेटिंग रेशियोज़ के बारे में। तो ऑपरेटिंग रेशियोज़ जो होते हैं, ये बेसिकली दो चीज़ें ही बताते हैं हमें। पहली कि कंपनी कितनी एफिशिएंटली वर्क कर रही है, एंड दूसरी कंपनी के जो एसेट्स हैं वो कितनी अच्छी तरीके से कंपनी का मैनेजमेंट यूज़ करवा रहा है। ओके, तो ये बेसिकली दो चीज़ें पता चलती है हमें ऑपरेटिंग रेशियोज़ को देख के। और इसीलिए ऑपरेटिंग रेशियोज़ जो हैं उनके कुछ और नाम भी हैं, लाइक कभी कभी हम उसको एक्टिविटी रेशियो भी कहते हैं, कभी कभी मैनेजमेंट रेशियोज़ भी कहते हैं, कभी कभी एसेट मैनेजमेंट रेशियोज़ भी कहते हैं। बिकॉज एसेट मैनेजमेंट रेशियो क्यों, यानी कंपनी के जो एसेट्स हैं, ओके, तो इसको मैनेजमेंट कितनी अच्छी तरीके से यूज़ करता है उसी को इवेलुएट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ऑपरेटिंग रेशियोज़ की। ओके, इसीलिए इनका नाम पड़ा है एसेट मैनेजमेंट रेशियोज़, या फिर मैनेजमेंट रेशियोज़, या फिर एक्टिविटी रेशियो, एंड नॉर्मली ऑपरेटिंग रेशियोज़ तो बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो में आपको क्या करना है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू लेना है, यानी जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता है। रेवेन्यू इज़ नॉट प्रॉफिट। ओके, अगर P&L वाली वीडियो देखिए आप समझ गए होंगे कि ये रेवेन्यू क्या है, एक तरह से हम सेल्स कह सकते हैं। ओके, तो कंपनी की जो सेल्स होती है, यानी टोटल जो रेवेन्यू उसने जनरेट किया है कितना, फॉर एग्जांपल 1000 करोड़। ओके, रेवेन्यू, ये प्रॉफिट नहीं है, ये रेवेन्यू है। इसमें से और भी जो खर्चे होते हैं वो लेस होते हैं P&L में से, बट यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग रेवेन्यू लेना है एंड उसको डिवाइड कर देना है टोटल एवरेज एसेट से। एंड एसेट में मेरा मतलब है यहाँ पे नॉन करंट एसेट, या फिर फिक्स्ड एसेट भी कह सकते हैं। ओके, तो नॉन करंट एसेट या फिर फिक्स्ड एसेट जो होते हैं उनको डिवाइड कर देंगे जितने भी टोटल हैं। एवरेज क्यों लिया है, बिकॉज बैलेंस शीट होती है कंपनी की तो वो दो साल की बनती है, दोनों साल, पिछले साल की भी रहती है एंड इस साल की भी रहती है, राइट। तो दोनों का एवरेज कर देंगे, यानी ईयर वन ईयर टू को ऐड करके डिवाइड बाई टू कर देंगे, तो आपका आ जाएगा टोटल एवरेज नॉन करंट एसेट। ओके, फिर सपोज कीजिए टोटल एवरेज नॉन करंट एसेट आते हैं, सपोज कीजिए 400 करोड़। ओके, 400 करोड़, तो 400 करोड़ जब भी आता है तो इससे हम क्या करेंगे, 1000 को डिवाइड कर देंगे 400 से, तो जो भी डेसिमल आएगा लाइक 1000 डिवाइड 400, तो आपका आ जाएगा 2.5। ओके, तो 2.5 ये बताता है हमें कि जितनी कंपनी की एसेट है उससे 2.5 गुना ज़्यादा रेवेन्यू है कंपनी के पास। रेवेन्यू मतलब सेल जनरेट कर रहा है वो पर्टिकुलर एसेट, यानी इतनी एसेट से इतनी सेल्स जनरेट हो रही है, इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे हम करते हैं। ये जैसे 2.5 अगर हम देखते हैं वहाँ पे जो भी कंपनी का रेशियोज़ का सेगमेंट है वहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कि कंपनी की जितनी एसेट्स है उसका 2.5 गुना ज़्यादा कंपनी सेल्स जनरेट कर रही है। ओके, सेल्स वो भी कहाँ से, फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर सेल्स नहीं, अदर और भी इनकम्स हो सकती है वो नहीं कंसिडर करेंगे, ओनली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, तो ये होता है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। एंड ऑब्वियस सी बात है, जितना ज़्यादा ये रेशियो हाई जाएगा उतना ज़्यादा कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, एंड जितना ज़्यादा डाउन रहेगा उतना ज़्यादा कंपनी बेकार परफॉर्म कर रही है। ओके, एंड ये ज़्यादा या कम ये कंसिडर कैसे करेंगे आप, कंपेयर करके। ओके, पास्ट ईयर से भी कंपेयर कर सकते हैं, एंड ऑल्सो किसी और कंपनी जो इसकी पेयर कंपनी है उससे भी कंपेयर कर सकते हैं कि ये जो रेशियो है ये ज़्यादा है या फिर ये कम है। ओके, नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जिसका क्या मतलब होता है। इसका सबसे पहले वर्किंग कैपिटल का मतलब समझते हैं। तो वर्किंग कैपिटल बेसिकली क्या होता है, कंपनी है, ओके, वो फिक्स्ड एसेट में तो इन्वेस्ट करती है, राइट। तो ये तो हो गया फिक्स्ड एसेट्स, यानी नॉन करंट एसेट्स का पोर्शन। एंड वर्किंग कैपिटल की भी ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज वर्किंग कैपिटल में क्या क्या होगा, कंपनी के पास जो कैश है वो, राइट, बिकॉज कैश तो चाहिए होगा, बिकॉज हो सकता है कभी भी ज़रूरत पड़ जाए, तो कंपनी का कैश इन हैंड भी होगा थोड़ा बहुत, एंड ऑल्सो कंपनी के पास स्टॉक भी पड़ा होगा, डेट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ वर्किंग कैपिटल। डेटर्स होंगे कंपनी के पास जिनसे पैसा आया नहीं है बट आने वाला है, ओके, तो वो भी होंगे, एंड कुछ
क्रेडिटर्स भी होंगे जिनको हमें पैसा देना होगा, राइट, जिनसे हमने परचेज किए होंगे एंड उनको पैसा भी देना बाकी होगा। तो कैश को ऐड करेंगे, स्टॉक को ऐड करेंगे, डेटर्स को ऐड करेंगे एंड क्रेडिटर्स जिनको पैसा देना है उनको लेस करेंगे, तो ये बेसिकली आ जाएगा हमारा वर्किंग कैपिटल। ओके, इनके अलावा और भी चीज़ें हो सकती है जो शॉर्ट टर्म होती है जो वर्किंग कैपिटल का हिस्सा होती है, बिकॉज वर्किंग कैपिटल का बेसिक मतलब बताऊँ तो करंट एसेट में से अगर करंट लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे, ओके, करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज माइनस की, तो आ जाएगा आपका वर्किंग कैपिटल, यानी जो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो आ जाएगा। एंड ऑब्वियस ही बात है, अगर ये प्लस में आता है तो मतलब वर्किंग कैपिटल है कंपनी के पास, तो अच्छी बात है। माइनस में आता है तो कंपनी के पास डे टू डे ऑपरेशन करने के लिए भी पैसे नहीं है। ओके, तो जनरली कंपनी जिनका वर्किंग कैपिटल नेगेटिव में होता है देन वो क्या कर सकती है, शॉर्ट टर्म कुछ भी पैसा ले सकती है फॉर फाइनेंसिंग इट्स वर्किंग कैपिटल। ओके, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो बाहर से पैसा लेती है। एंड इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर को रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वर्किंग कैपिटल, सिंपल। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कंपनी के पास डे टू डे ऑपरेशंस करने के लिए कितना पैसा है या फिर कितना अच्छी तरीके से कंपनी मैनेज कर रही है अपने वर्किंग कैपिटल को। अगेन वैसे ही जितना अच्छा रेशियो होगा, जितना ज़्यादा रेशियो होगा उतना ज़्यादा अच्छा है एंड जितना कम रेशियो होगा उतना खराब है। ओके, तो सिंपल इस तरह से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है बेसिकली वर्किंग कैपिटल सरप्लस होना चाहिए तो इट इज़ अ पॉजिटिव। ओके, एंड डेफिसिट होगा देन इसका मतलब नेगेटिव है, यानी कंपनी फिर क्या करेगी, वर्किंग कैपिटल लोन लेगी फ्रॉम देयर बैंकर्स और एनीवन, राइट, ताकि वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरा कर सके। तो इससे आपको बेसिकली पता चल जाएगा कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। अगेन वर्किंग कैपिटल जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है तो पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, आपको सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू दिया है मैंने वर्किंग कैपिटल के बारे में। एंड ये अगेन ये जो एवरेज वर्ड है इससे कंफ्यूज नहीं होना, एवरेज का मतलब वर्किंग कैपिटल पहले हमने अब करंट ईयर की कैलकुलेट की, यानी करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, राइट, पहले ईयर की आ गई एंड पिछले साल की भी देख लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे एंड डिवाइड कर देंगे टू से, बिकॉज इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है ताकि फ्लक्चुएशन ज़्यादा ना हो, एवरेज से काफ़ी अच्छा हमें रेशियो मिल जाएगा, थोड़ा सा एक्यूरेट। ओके, नेक्स्ट इज टोटल एसेट टर्नओवर, तो ये भी सिंपल सी बात है, बस इसमें एवरेज टोटल एसेट है, उसमें एवरेज टोटल करंट एसेट मैंने कहा था, राइट, सेम फॉर्मूला है, आप देखेंगे ये भी लिखा भी मैंने सेम है, बस उसमें करंट था, यहाँ पे टोटल मतलब सारी की सारी एसेट्स की टोटलिंग है। ओके, एंड एवरेज क्यों, बिकॉज दो साल के दिए हुए होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो दोनों साल की एसेट को ऐड करेंगे एंड डिवाइड करेंगे टू से, तो आ जाएगा एवरेज टोटल एसेट। एंड ऑब्वियसली ऊपर न्यूमरेटर में होगा ऑपरेटिंग रेवेन्यू, यानी जो कंपनी का कोर ऑपरेशंस है, यानी जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वहाँ से जो पैसा आया है उसको कहा जाता है ऑपरेटिंग रेवेन्यू। तो ये आप कंपैरिजन करेंगे कि जितनी कंपनी की टोटल एसेट है उसके मुकाबले कितना रेवेन्यू जनरेट करके दिया है। ओके, जैसे कि टोटल एसेट फॉर एग्जांपल 10 करोड़ है एंड ऑपरेटिंग रेवेन्यू जनरेट करके दिया है 50 करोड़, तो 5 आ गया, राइट, तो ये 5 क्या बता रहा है आपको कि कंपनी की जितनी भी एवरेज टोटल एसेट है उसके 5 गुना ज़्यादा कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आ रहा है। ओके, अगेन रेवेन्यू इज़ नॉट अ कंप्लीट प्रॉफिट, बिकॉज रेवेन्यू सिर्फ आपकी सेल जो आपने जनरेट की है उससे जो सेल से जो पैसा आ रहा है वो प्रॉफिट कैसा आएगा, उसमें जब एक्सपेंसेस लेस करेंगे, तो एक्सपेंसेस लेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, अभी आपको सिर्फ रेवेन्यू चाहिए, राइट, यानी जितना भी पैसा आ रहा है कंपनी के पास थ्रू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जितनी टोटल एसेट है उसका 5 गुना है कंपनी का सेल्स, राइट, तो इससे आप एक नंबर देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो इसीलिए इस रेशियोज़ का काम आता है। ओके, अगेन आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये रेशियोज़ बने बनाए मिल जाएंगे किसी भी फंडामेंटल एनालिसिस वेबसाइट पे, लाइक मनी कंट्रोल हो गया और भी कई सारे वेबसाइट्स है, स्क्रीनर वगैरह, टिकर टेप वगैरह। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का लॉजिक क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर में इन्वेंट्री का बेसिकली मतलब क्या होता है, एक शॉप पे जो बिजनेसमैन होता है वो इन्वेंट्री रखता ही क्यों है, बिकॉज उसको हाथों हाथ ऑर्डर आया तो उसके पास कुछ स्टॉक होना चाहिए, राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जैसे ही ऑर्डर आया उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग में दे रहा है, राइट, तो ये जो इन्वेंट्री रखते हैं
इसकी हमें एवरेज निकालनी है, यानी जो लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें जो इन्वेंट्री दे रखी है बैलेंस शीट में वो, एंड प्रीवियस ईयर ऑब्वियसली उसके पास दे रखा होगा, एंड उसका एवरेज निकालेंगे तो आपको मिल जाएगी एवरेज इन्वेंट्री। ओके, तो एवरेज इन्वेंट्री क्लियर है। तो एवरेज इन्वेंट्री सपोज कीजिए, एक छोटी सी शॉप का एग्जांपल लेते हैं, तो वो 200 रुपीज़ की रखता है। ओके, एंड जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, यानी साल भर में उसने कितने रुपए का गुड्स सेल किया है। ओके, कितने रुपए की सेल नहीं की है, कितने मतलब उसकी कॉस्ट कितनी है उस सेल में। ओके, सपोज कीजिए उसने 3000 रुपीज़ का गुड्स सेल किया है, बट उसकी कॉस्ट उसमें 2000 रुपीज़ ही है, तो 2000 यहाँ पे लेंगे। 2000 लिया तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना आया, 10, राइट? तो 10 आया। इस 10 का मतलब क्या है, इस 10 का मतलब है कि साल भर में 10 टाइम्स आपको इन्वेंट्री टर्नओवर करना पड़ता है। ओके, यानी ये जो 200 है, एक बार सपोज़ कीजिए आपने 200 ही लेके चले, एंड वो 200 आपने सेल कर दिया, वापस से आपको 200 लाना पड़ेगी, फिर आपने सेल कर दिया वापस से, ऐसे 10 टाइम्स होगा, तब जाके आपकी ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मीट होगी। अब इसका एक और लॉजिक होता है, ये 10 आया था तो आपको क्या करना है, सिंपल अगर आप चाहें तो इनमें डेज भी निकाल सकते हैं, आगे बताऊँगा वापस डिटेल में। 365 से डिवाइड कर दीजिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को, तो 36.5 आ जाएगा, यानी हर 36.5 डेज में आपका इन्वेंट्री ख़त्म हो जाती है। ओके, फिर आपको नई लानी पड़ती है, एंड उसके बाद फिर अगर आप चलाएंगे उसको तो 36.5 डेज बाद फिर ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके ये इन्वेंट्री टर्नओवर आता है। ओके, यानी कितनी बार इन्वेंट्री ख़त्म हो जाती है, वापस लानी पड़ती है, ख़त्म हो जाती है, वापस लानी पड़ती है। ओके, बट प्रोसेस ऐसा नहीं होता है, कभी भी शॉप ऐसा नहीं करेगा कि जब ख़त्म हो जाएगी तभी वापस लाएगा, राइट? ये तो ऑब्वियस ही बात है कि जैसे ही ख़त्म होने वाली होगी वापस से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलता रहता है, एंड वापस से आती रहती है इन्वेंट्री, वो एकदम स्मूथ प्रोसेस चलता है, बट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ऑब्वियस ही बात है, जितना ज़्यादा अच्छा इन्वेंट्री टर्नओवर होगा उतना बेटर है, राइट? अब बेटर ये कैसे पता चलेगा आपको, जब आप कंपेयर करेंगे इस इन्वेंट्री टर्नओवर को, जो हमारा 10 टाइम्स आया था, इसकी जो पीयर इंडस्ट्री है, यानी जो सेम सेक्टर की दूसरी कंपनीज है, उसका अगर आ रहा है 15, देन ऑब्वियस ही बात है कि वो उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, राइट? अगर इसी सेम सेक्टर की कंपनी है एंड उसका इन्वेंट्री रेशियो आ रहा है सपोज़ कीजिए 5, तो ऑब्वियस ही बात है ये कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, बिकॉज सेम सेक्टर है, राइट? एंड कंपेयर करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ज़्यादा है या कम, आप ऐसे ही नहीं बता सकते कि ये ज़्यादा है या फिर कम। ओके, नेक्स्ट यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज। आपको क्या करना है, सिंपल 365 से डिवाइड करना है इन्वेंट्री टर्नओवर को, तो आपके जो नंबर्स आएंगे, लाइक पहले जो मैंने एग्जांपल लिया था 36.5 आया था, राइट? इन्वेंट्री टर्नओवर बिकॉज पिछले केस में था 10, तो आपका 36.5 डेज का मतलब है हर 36.5 डेज में आपको इन्वेंट्री जो है वो ख़त्म हो जाती है, जो भी आपकी इन्वेंट्री आप रखते हैं वो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद नया और इन्वेंट्री लाना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे कर करके आप क्या कर सकते हैं, 36.5 ऐसे करके आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि साल में कितने टाइम्स आपको इन्वेंट्री टर्नओवर करनी पड़ी, राइट? तो ये इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज होता है बेसिकली। इसमें आपको एक और चीज़ पता चल जाती है, इसमें एक और चीज़ आपको पता चलती है कि ये जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो था उसको हमने डिवाइड कर दिया 365 से, राइट? तो ये आ गया नंबर 36.5। तो ये 36.5 जो है ये बता रहा है हमें कि आपकी जो इन्वेंट्री आपने रखी है, इसको पूरा प्रोसेस करके आपने दी है कस्टमर को, तो इसका एक आइडिया मिल जाता है कि 36.5 डेज के आसपास आपको आपकी जो इन्वेंट्री है वो कैश में कन्वर्ट हो रही है। ओके, कैश में मतलब जो कैश या बैंक कह सकते हैं। ओके, यानी आपको पैसा मिल जाता है 36.5 डेज के अंदर अंदर आपकी पूरी इन्वेंट्री का, ये भी आप आइडिया लगा सकते हैं। ओके, बाकी ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है ये भी, तो आपको सिंपल इतना ध्यान रखना है कि 36.5 डेज है, यू हैव टू कंपेयर इट विद अदर कंपनीज, राइट? अदर कंपनीज में कितना अच्छा है, एंड जितना कम होगा ये, राइट? ये जो है रिवर्स है, जितना कम होगा उतना बेटर, बिकॉज उतना जल्दी आपको
कैश मिल रहा है अपनी इन्वेंट्री के बदले में, राइट? इन्वेंट्री को प्रोसेस वगैरह कर करके आपको कितना जल्दी कैश मिल जाता है। एंड इसमें जिन भी कंपनीज का इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज कम होंगे, ओके, उनका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज़्यादा होगा। ओके, हमेशा रिवर्स चलेंगे, इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दीज आर रिवर्स। ओके, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज हमेशा कम होना चाहिए, बिकॉज ये हमें बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ डेज में इन्वेंट्री जो है वो कन्वर्ट हो रही है कैश में, राइट? एंड हमें फिर से एक और नया इन्वेंट्री मंगवानी पड़ती है। तो ये बेसिकली लॉजिक होता है इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज का एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। नेक्स्ट अब देखते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में क्या होगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा रेवेन्यू में से एवरेज रिसीवेबल। ओके, रिसीवेबल मतलब जो आपके डेटर्स हो गए, राइट, और भी जो बिल्स रिसीवेबल वगैरह, वो आपको इतना आइडिया नहीं होगा, बट आप डेटर्स समझ सकते हैं। ओके, डेटर्स के बारे में आपको पता है, वो हो गए। एंड रेवेन्यू, ऑब्वियसली रेवेन्यू में से आपको डिवाइड करना है एवरेज रिसीवेबल, देन आपका आ जाएगा अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो ये आपको क्या अंडरस्टैंडिंग देता है कि हाउ मेनी टाइम्स इन अ गिवन पीरियड द कंपनी रिसीव्स कैश फ्रॉम इट्स डेटर्स। ओके, यानी कितने दिनों के अंदर, आपने कुछ सेल की होगी तभी डेटर्स आए, राइट? तो कितने दिनों के अंदर ऑन एन एवरेज आपको डेटर्स से पैसा मिल जाता है, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी सेल करती जा रही है एंड पैसा आ ही नहीं रहा है, राइट? उसके डेटर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं एंड प्रॉफिट्स ऑब्वियसली इंक्रीज होता जा रहा है, बट कैश नहीं आ रहा, राइट? तो उससे आपको इसका अंदाजा हो जाएगा कि कितनी फ्रीक्वेंटली कंपनी जो है कैश कलेक्ट कर रही है अपने डेटर्स से, राइट? तो जितना ज़्यादा अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आएगा, उतना आप समझ सकते हैं कि उतनी जल्दी आपका कंपनी जो है वो कलेक्ट कर रही है कैश अपने डेटर्स से, राइट? तो फॉर एग्जांपल अगर हम करते हैं कोई भी एग्जांपल लेके, एंड ये नंबर 8 आ जाता है। ओके, तो 8 आ गया नंबर, इसका मतलब है कि 8 टाइम्स पूरे साल में क्या होता है, कंपनी जो है वो कैश रिसीव करती है अपने डेटर्स से। ओके, यानी साल में 8 बार जो है कंपनी डेटर्स से कैश आ जाता है ऑन एन एवरेज। ओके, तो ये आपको बताता है अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, बिकॉज कंपनी अगर सारी सेल्स क्रेडिट कर रही है, राइट, यानी क्रेडिट सेल, पैसा आ नहीं रहा है, तो हम इसको पता कैसे करेंगे, बिकॉज P&L स्टेटमेंट में तो आपको प्रॉफिट मिल ही जाएगा, राइट? बिकॉज क्रेडिट सेल भी होगी तब भी आपको प्रॉफिट मिल जाएगा कंपनी के P&L स्टेटमेंट में। तो इसीलिए ये पता करने के लिए कि रिसीव कितना हो रहा है कैश, कितनी जल्दी रिसीव हो रहा है, वो आपको पता चलेगा अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से। तो जितना ज़्यादा होगा अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, उतना अच्छा रहेगा। ओके, यानी उतनी फ्रीक्वेंटली कंपनी जो है वो कलेक्ट कर रही है अपना कैश किससे, डेटर्स से। एंड जैसे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो था एंड इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज था, उसी तरह अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है तो उसके डेज भी है। ओके, ऑब्वियसली जस्ट रिवर्स है उसका, राइट? जैसे हमने पहले किया था, 365 डिवाइड कर देंगे रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से, जो कि हमारा 8 आ रहा था, राइट? तो 365 डिवाइड किया हमने 8 से, तो कितना आ गया, 365 डिवाइड बाय 8, तो आ गया 45। ओके, तो 45 का मतलब है 45 डेज में कंपनी जो है कलेक्ट कर लेती है पैसा किससे, डेटर्स से। ओके, तो ये इस तरह से वर्क करता है, डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, या फिर इसको एवरेज कलेक्शन पीरियड भी कह सकते हैं, इसको डे सेल्स इन रिसीवेबल भी कह सकते हैं, राइट? इसका मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज 45 डेज फ्रॉम द टाइम इट रेजेस एन इनवॉइस टू द टाइम इट कलेक्ट इट्स मनी। तो ये 45 का मतलब क्या हुआ कि 45 डेज के अंदर क्या कर सकती है कंपनी, कलेक्ट कर सकती है जो भी इन्वॉइस उसने रेज किया है। सपोज़ कीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इन्वॉइस रेज किया था कंपनी ने, यानी इन्वॉइस बनाया था एंड माल जो है डेटर्स को दे दिया था। ओके, तो डेटर्स जो है वो ऑन एन एवरेज 45 डेज के अंदर पैसा दे देते हैं कंपनी को। ओके, तो ये चीज़ बताता है हमें डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग। ओके,
एंड ऑब्वियसली इसको मैंने बताया, इसको और भी चीज़ें कह सकते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड कह सकते हैं, डे सेल्स इन रिसीवेबल कह सकते हैं, और भी कई सारे नाम हो सकते हैं। आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है, एंड ऑब्वियसली ये जितना कम होगा उतना बेटर है, एंड इसका टर्नओवर जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर है। ओके ये दोनों रिवर्स चलते हैं, मैंने बताया था, जैसे कि ये जो है ये कम होना, सॉरी ये ज़्यादा होना चाहिए एंड ये कम होना चाहिए, उसी तरह इन्वेंट्री में था ये ज़्यादा होना चाहिए एंड ये कम होना चाहिए। ओके सेम वही कंसेप्ट है इन्वेंट्री वाला, बस इसमें डेटर्स है। ओके डेटर्स का टाइम पीरियड है, उसमें इन्वेंट्री का टाइम पीरियड था। ओके और ये एक इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना, इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज जो मैंने बताया था, इसमें जो मैंने कहा था ना कैश में कन्वर्ट होता है इन्वेंट्री उस उतने दिन में, राइट, तो वो कैश में कन्वर्ट हो या फिर ऑल्सो क्रेडिट सेल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके ना, तो ये डाउट मत रखना दिमाग में, बिकॉज इन्वेंट्री यहाँ पे क्या हो रहा है, जब तक इन्वॉइस बनता है, इन्वॉइस के बाद जब डेटर्स के पास जाता है तो वो अलग दिन आएंगे, राइट। यानी जो ये था, ये डेटर्स वाला जो डेज मैंने बताया था वो है, एंड ये जो है ये इन्वेंट्री नंबर ऑफ डेज है। ओके तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कन्फ्यूज़न नहीं होता कि।